संभल में युद्ध जैसे हालात, पथराव, आगजनी और फायरिंग। संभल मस्जिद सर्वे का काम पूरा, ढाई घंटे तक हुआ मस्जिद का सर्वे। कोर्ट के आदेश पर पहुंची टीम पर दंगाइयों ने हमला बोला, पत्थरबाजों पर सीएम योगी सख्त, डीजीपी बोले कड़ी कार्रवाई होगी। संभल में फिर से भयंकर बवाल है, पत्थरबाजी हुई। तस्वीरें संभल के जामा मस्जिद के बाहर की है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा किया। दरअसल यह आक्रोश है जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर। दरअसल संभल जिले के जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष द्वारा अदालत में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके सर्वे के आदेश दिए। उसी सर्वे के लिए दिन निकलते ही एकदम सुबह एडवोकेट कमिश्नर की टीम पहुंची थी। टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी भारी पुलिस बल के साथ जामा मस्जिद पहुंचे थे। तनाव को देखते हुए आसपास के इलाके में आरआरएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस के जवानों को लगाया गया था। मस्जिद को जाने वाले हर रास्ते पर पहरा बिठाया गया था। टीम करीब 7:30 बजे पहुंची तो कुछ देर तो सब शांत ही था, लगा हालात बेहतर है। पुलिस अधिकारी भी मुतमईन हो चले थे कि एकाएक अचानक से आक्रोशित लोगों का सैलाब आ जाता है और फिर जो होता है देखिए। अपना भविष्य बर्बाद मत करो चक्कर में नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठी चार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। एकाएक लगातार 10 गाड़ियां आग में फूंक दी गई। रिपोर्ट्स की माने तो घटना में एक युवक की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद पुलिस ने पथराव करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में लिया और उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं संभल की घटना पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर बनाए हुए हैं। योगी का साफ निर्देश है कि उपद्रवियों से निपटें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी बवाल के बीच जामा मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। इस बारे में हिंदू पक्ष से जुड़े एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संभल मस्जिद सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब 29 नवंबर को कोर्ट में रिपोर्ट की पेशी की जाएगी। सर्वे का काम बवाल के बाद दोबारा जारी किया गया था। 7:30 बजे सुबह से 10 बजे तक कमीशन की कार्यवाही हुई, सर्वे की वीडियो और फोटोग्राफी कराई गई। साथ ही उन्होंने लोगों से कानून के दायरे में रहकर कोई भी विरोध करने की बात कही। साथ ही कहा कि कोर्ट से इस मामले का फैसला आने में अभी समय लगेगा, सभी पक्षों को कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। इस बवाल और पथराव के बीच सर्वे करने वाली टीम 1 घंटे पहले ही मस्जिद से निकल गई और उसे सुरक्षित कोतवाली ले जाया गया। संभल मामले पर डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सीएम योगी को ब्रीफ किया। संभल मामले पर सीएम योगी का साफ निर्देश है कि उपद्रवियों से निपटें और उन पर कड़ी कार्रवाई करें। डीजीपी प्रशांत कुमार ने संभल के एसपी और जिलाधिकारी से बातचीत की और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सर्वे के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया, पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पत्थरबाजों की शिनाख्त करके पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी, जरूरत पड़ी तो दूसरे जिलों से भी फोर्स भेजी जाएगी। डीजीपी ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, पुलिस और जिले के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की एक टीम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही है, भड़काव या विवादित पोस्ट करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस तरह की पोस्ट से अशांति फैल सकती है, इसलिए टीम को निगरानी पर लगाया हुआ है। एक मामला प्रकाश में आया था तो कार्रवाई की गई थी, इसी तरह लोगों को पाबंद भी करने की कार्रवाई जारी है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।